हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिक्टेड। इस वीडियो में हम जो है इंडियन पॉलिटी का जो नेक्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स का जो डिस्कस करेंगे। दिस इज अ लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। शुरू करने से पहले बी आर अम्बेडकर जी के कोट पर नजर डालते हैं, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। मेरे चैनल को आप जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। दिस इज अ चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स विच अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसके जो डिफरेंट कंटेंट्स में फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन मेडीज, रिट्स, टाइम्स एंड स्कोप्स, आर्म्ड फोर्सेज एंड फंडामेंटल राइट्स, मार्शल लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स, इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स, क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट आउटसाइड पार्ट थर्ड। ये सारे सारे जो चीज़ें हैं हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर जो है काफी बड़ा है, इसलिए हम इसको जो पार्ट्स में जो है डिस्कस करेंगे। दिस इज अ पार्ट फर्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर इंस्ट्रिंड इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में जो है आपको ये मौलिक अधिकार मिलेंगे। और ये जो कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, ये जो है हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बोर्ड किया हुआ है। ये जो पार्ट थर्ड जो रहता है फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रहता है, इसको जो हम जो है मेघना कार्टा ऑफ इंडिया जो है बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं मीट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। टू प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए जो हमने जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है इनेक्टेड किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स को जो है फंडामेंटल राइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है ग्रंटेड एंड प्रोटेक्टेड होते हैं बाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के द्वारा जो है ये ग्रंटेड होते हैं एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो, इनको फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि दे आर इसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। किसी भी पर्सन की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मटीरियल है, इंटेलेक्चुअल है, मॉरल है, स्पिरिचुअल है, इंडिविजुअल की, उसके लिए जो है फंडामेंटल राइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें जो कि 26 जनवरी 1950 से जो हमारे कंट्री में लागू हुआ था, उसमें जो हमारे 7 जो है फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी जो स्टिल एग्जिस्ट करता है फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट फ्रॉम आर्टिकल 29 टू 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसको जो अब रिपील कर दिया गया है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन मेडी आर्टिकल 32, ये भी जो है स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। इनके बारे में इन डिटेल जो हम अगली स्लाइड्स में जो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको जो है डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हमने जो है रिपील्ड कर दिया था, डिलीट कर दिया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक हमारा लीगल राइट है, एक जो है स्टैच्यूटरी राइट है अंडर द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन प्रेजेंट हमारे पास जो है ओनली 6 जो है फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी को अगर आप काट दें तो ये 6 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है इन प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है लिस्टेड है। राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम अगली स्लाइड्स में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अगली लेक्चर सीरीज में भी। लेकिन यहाँ पर मैं 2 वर्डिक्ट्स जो आपको बुक में नहीं मिलेगी उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो कि आपको मेंस आंसर राइटिंग में जो काम में आएंगी। तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो लैंडमार्क वर्डिक्ट है ये है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार केस। इसमें जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैचुरी राइट। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैचुरी राइट ही नहीं है बट ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। और इसी वर्डिक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केस में जो है दोबारा से जो अपहेल्ड किया और कहा कि कोई भी जो वेलफेयर स्टेट है वहां पर राइट टू प्रॉपर्टी जो है ह्यूमन राइट है। और यहाँ पर ये विद्या देवी जी को जो फेयर कंपेंसेशन देने की बात भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है अकॉर्डिंग टू अवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ह्यूमन राइट भी है। तो इन प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैचुरी राइट, लीगल राइट और ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी विशेषताएं क्या है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे ये जो है ग्रंटेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सुप्रीम कोर्ट है। हैंस जो हमारा वाले फंडामेंटल राइट्स है दे आर ग्रंटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज अवर सुप्रीम कोर्ट। और ये इनकी जो जो है फॉलोइंग जो है हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कुछ एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन हमारे भारत के नागरिकों को ही अवेलेबल है और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन एज वेल एज फॉरनर्स को भी जो है हमारे जो है अवेलेबल हैं या कोई भी लीगल पर्सन लाइक कॉरपोरेशन और कंपनी जो हमारी
कंट्री में जो वर्क करती हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ये जो है एब्सोल्यूट जो है नहीं है बट क्वालिफाइड है। स्टेट जो है इम्पोज कर सकती है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है वो इनके ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये आपकी जो है रीजनेबल होनी चाहिए एंड इट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय द कोर्ट। जो भी रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाई जाती है वो जो है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, और ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल होनी चाहिए, कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान, तो इस दौरान जो हमारी सरकार जो है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और ये जो रीजनेबल होनी चाहिए। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है तो आजकल जो है राइट टू फ्रीडम के ऊपर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन जो लगी हुई है, आपको जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन करना पड़ता है, तो दीज रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और ये जो है कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड नहीं होती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इससे जो है एक बैलेंस जो है बिटवीन द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड दूज ऑफ द सोसाइटी जो है एक बनता है, एंड बिटवीन लिबर्टी एंड सोशल कंट्रोल के ऊपर। कुछ एक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नेगेटिव इन करेक्टर बोलते हैं, उनको नेगेटिव इन करेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो है जो हमारी अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है उसकी फंक्शनिंग के ऊपर जो है लिमिटेशंस लगाते हैं, और कुछ एक फंडामेंटल राइट्स हमारे पॉजिटिव इन नेचर्स हैं, वो जो है सर्टेन प्रिविलेजेस जो हमारे जो है हम पर्सन किसी पर्सन को जो प्रोवाइड करती हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है जस्टिकेबल है, इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स हैं। आप जो है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए जो है कोर्ट्स जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए जो इशू करते हैं। दे आर डिफेंडेड एंड ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिफेंडेड एंड ग्रांटेड किए जाते हैं। ये बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, कोई भी पर्सन है वो जो सुप्रीम कोर्ट जो जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लेकिन इसमें ऑप्शन ये भी रहता है कि कोई भी पर्सन है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, उसको पहले हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। रिट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखें सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट्स इशू करता है, और हाई कोर्ट जो हमारे जो है आर्टिकल 226 के तहत जो हमारे जो रिट्स इशू करते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो सैक्रोसेंट और परमानेंट नहीं है, यानी कि परमानेंट कैरेक्टर जो है फंडामेंटल राइट्स का नहीं होता है। पार्लियामेंट जो है इनको जो कर्टेल कर सकती है और अपील भी कर सकती है, कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारी जो पार्लियामेंट है इनको जो है रिपील भी कर सकती है। और फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखें, आप इनको अगर रिपील करना है तो कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही चाहिए, इसमें ऑर्डिनरी एक्ट के द्वारा जो है पार्लियामेंट जो है इनको जो है कर्टेल या रिमूव नहीं कर सकती है। लेकिन ये भी इसमें पार्लियामेंट को ध्यान करना रखना पड़ेगा कि इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है अफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये जो हमारे केशवानंद भारती केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के द्वारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है 24 अप्रैल 1973 के बाद जो हमारे इंडिया में जो है ये लागू हुई थी। फंडामेंटल राइट्स जो है आपके जो है सस्पेंडेड हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो डिक्लेयर की जाती है। एक्सेप्शन इसमें रहती है कि जो राइट्स ग्रांटेड है आर्टिकल 20 और 21 के तहत ये जो है हमारे जो है सस्पेंडेड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 के तहत जो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस है, और आर्टिकल 21 के तहत जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसमें जो है दी। राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है जस्टिस कोटास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में जो है 9 जज बेंच ने जो है वर्डिक्ट दी थी। फर्दर ये जो सिक्स जो फंडामेंटल राइट्स फर्दर जो सिक्स जो राइट्स हैं जो कि ग्रंटेड होते हैं आर्टिकल 19 के अंडर, ये जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान तभी सस्पेंडेड हो सकते हैं जब जो है नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर्ड होगी ऑन अ बार और एक्सटर्नल एग्रेशन, या तो हमारी कंट्री किसी युद्ध में इन्वॉल्व हो जाती है या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हमारी कंट्री के ऊपर होता है, तो उसी दौरान जो है आर्टिकल 19 के तहत जो हमारे सिक्स जो फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड होते हैं वो कर्टेल हो सकते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी के ही दौरान, ये जो आर्म रिवेलियन के दौरान या इंटरनल इमरजेंसी के दौरान जो है कर्टेल नहीं हो सकते हैं। सर्टेन आर्टिकल जो है इनके स्कोप ऑपरेशन के ऊपर जो है लिमिटेड करती हैं, जैसे आर्टिकल 31A है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एटसेट्रा। आर्टिकल 31B है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग द 9th शेड्यूल में डालने के बाद, लेकिन ये दोबारा से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको जो स्ट्राइक डाउन कर दिया हुआ है आफ्टर 24th अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस के बाद। आर्टिकल 31C केशवानंद भारती केस वर्डिक्ट के बाद आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनकी जो एप्लीकेशन जो रहती है जो भी हमारे मेंबर्स हैं आर्म फोर्सेज के, पैरामिलिट्री फोर्सेज के, पुलिस फोर्सेज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के और एनालॉग सर्विस के, उसमें ये जो रेस्ट्रिक्टेड की जाती है और एब्रोगेट भी किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स इन सर्विसेज में जो पर्सन काम करते हैं अंडर द आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल लॉज की जो एप्लीकेशन है वो जो मार्शल लॉ के दौरान भी जो है रेस्ट्रिक्ट की जाती है, और मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री लॉ, और ये जो है एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होता है अंडर द आर्टिकल 34 के तहत जो है यह जो है लगाया जाता है।
ये जो नेशनल इमरजेंसी जो है अलग होता है। कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है वो डायरेक्टली इन्फोर्सेबल है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो है पार्लियामेंट जो है इनसे रिलेटेड जो है लॉज बनाती है। और ध्यान रखें, फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए लॉ सिर्फ और सिर्फ जो हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इनसे रिलेटेड जो है लॉज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंट्री जो है हमारे जो है मेंटेन होते हैं अंडर द आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 में दिया गया है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, उनके साथ तालमेल में नहीं है, उनके प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनको जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है नल या वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 13 जो है डिक्लेयर करता है ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट, जो भी लॉज हमारे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं जो इनकंसिस्टेंट होते हैं विद और इन डेरोगेशन एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो जो है शैल बी वॉइड। इन अदर वर्ड, जो हमारी जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया हुआ है, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अगर कोई लॉ या एक्ट जो है अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होता है तो उसको जो है ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस पावर, ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को अंडर द आर्टिकल 32 के तहत दी गई है और हाई कोर्ट को जो अंडर द आर्टिकल 226 के तहत जो ये पावर दी गई है। फर्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है दैट इज राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल्स 14 to 18। इसमें फर्स्ट जो हमारा जो राइट था आर्टिकल 14 क्या, तो वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये आर्टिकल 14 के तहत है। आर्टिकल 15 में हमारे जो दिया गया है ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, तो किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ वर्क के आधार पर जो है नहीं किया जाता है हमारी कंट्री में। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के जो मैटर्स हैं उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें जो है इक्वालिटी जो है सभी सिटीजन को जो है दी जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स या प्लेस ऑफ वर्क। वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है आर्टिकल 17 एंड प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिस। आर्टिकल 18 कहता है अबॉयलेशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमी, मिलिट्री एंड अकेडमी के अलावा आप कोई भी टाइटल्स जो है नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम जो फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22 दिया गया है। तो आर्टिकल 19 में जो है आपको जो है सिक्स जो है राइट्स जो दिए गए हैं, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी कि आप कोई भी बिजनेस जो कर सकते हैं। आर्टिकल 20 के तहत प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, आपको जो है बिना किसी ऑफेंस के जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, तो आर्टिकल 20 के तहत आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है। आर्टिकल 21 में मिलती है आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी, ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो जस्टिस कोटास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वर्डिक्ट दी थी। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इन आर्टिकल 21A एंड दिस प्रोविजन एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22। थर्ड जो फंडामेंटल राइट रहता है हमारा दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो शोषण के अगेंस्ट हमारे जो है अधिकार दिया गया है एक्सप्लॉयटेशन के। इसमें फर्स्ट आर्टिकल 23 के तहत दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 के तहत है प्रोहिबिशन ऑफ इंप्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है हमारे आर्टिकल 24 के तहत। नेक्स्ट हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता जो हमारे आर्टिकल 25-28 दी गई है। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज लीजियस अफेयर आर्टिकल 26 का फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी रीजन आर्टिकल 27, यानी कि हम जो है बाधित नहीं है कि हम किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए किसी भी टैक्स को जो है पे करें, इसमें जो है हम फ्री हैं, हम दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है। आर्टिकल 28 के तहत है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लगी हुई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, कोई भी वर्शिप से रिलेटेड कोई चीज पढ़ाई जा रही है तो आपकी उसमें मर्जी है, आप उसको अटेंड भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30। तो आर्टिकल 29 में हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 29 में दिया गया है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 के तहत दिया गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का कहीं हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर दी, डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर दी आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिकेबल इन नेचर एंड इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, तो इनकी इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू करते हैं। पांच रिट्स इसमें होती है, दैट इज हैबियस कॉर्पस,
मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्योब्रांटो, इन राइट्स के बारे में हम डिटेल में जो है अगले लेक्चर सीरीज में देखेंगे। देखिए कुछ एक फंडामेंटल राइट जो हमारे ऐसे हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है और फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है, तो इनको डायरेक्ट याद रखने का तरीका ये है, हमने ये चीज़ देखनी है कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है और फॉरनर्स को नहीं है, बाकी जो भी इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है वो जो है फॉरनर्स को भी अवेलेबल है। तो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरनर्स। तो आर्टिकल 15 के तहत जो हमें जो फंडामेंटल राइट दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स को है, फॉरनर्स को ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाता है। और आर्टिकल 15 में जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी भेदभाव जो ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो है किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और आर्टिकल 19 के तहत जो राइट्स हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं। इसमें 6 राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। और आर्टिकल 29 के तहत जो राइट है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, एंड आर्टिकल 30 के तहत जो राइट है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ध्यान रखें आप आर्टिकल 15, 16, 19, 29 है, 30 के तहत जो फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन एज वेल एज फॉरनर्स दोनों को जो है वो जो है अवेलेबल है। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट फर्स्ट है, अभी इसके 2-3 लेक्चर और फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आएंगे और डिटेल्ड लेक्चर में इनसे रिलेटेड आपको दूंगा। इसके साथ इंपॉर्टेंट जो हमारी वर्डिक्ट्स हैं डिफरेंट कोर्ट्स की एज वेल एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह आप तक जो है वीडियोज लाता रहूँ तो आप मेरे चैनल को जो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और दूसरों की भी हेल्प जो है करते रहिए, बिकॉज वी राइज बाई लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।